अहम खबर आपको देंगे। महंगाई के मारे आवाम पर एक और वार हो गया है। खबर आपको दे रहे हैं, नेप्रा ने फी यूनिट बिजली की कीमत में अब 2.37 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया है। नेप्रा ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं और बिजली की कीमतों में ये इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा तमाम तकसीम कार कंपनियों के सारफीन के लिए हुआ है, जबकि इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और ज़रई सारफीन पर नहीं होगा। सारफीन पर अब कुल 33 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में और 2.37 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है नेप्रा की जानिब से, जबकि बिजली की कीमतों में ये इजाफा तमाम तकसीम कार कंपनियों पर होगा और के इलेक्ट्रिक और ज़िले सारफीन पर ये लागू नहीं होगा। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। गुलाम मुर्तजा बताइएगा, बिजली की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं? जी, नेप्रा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 2.37 रुपए इजाफे की मंजूरी दी है और ये इजाफा बिजली की कीमतों में सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, क्योंकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त की थी कि उन्होंने सितंबर में जो बिजली बनाई है वो महंगी बनाई गई है और उन्होंने 2.84 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे की समरी भिजवाई थी, जिसकी समाप्त इससे पहले भी हुई है और आज दोबारा इसकी समाप्त हुई है, जिसमें नेप्रा ने तमाम जो तकसीम कार कंपनी CPP और सार्फीन के साथ मशावरत के बाद 2.37 रुपए फी यूनिट इजाफा किया है। इस इजाफे का इतलाक ना तो के इलेक्ट्रिक के सार्फीन पे होगा, ना ही ज़रई सार्फीन पे होगा और ना ही 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फीन पर होगा। नेप्रा की जानब से ये बताया गया है कि बिजली कीमतों में इजाफे से सार्फीन पर कम अज कम 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा और ये बिजली के बिल जो दिसंबर में आएंगे उन बिजली के बिलों में सार्फीन से ये इजाफा वसूल किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए गुलाम मुर्तजा।